क्वेश्चन देखते हैं इसका 3 नंबर। यहाँ पे आपका log x का होल स्क्वायर आपका u होगा और यहाँ पे भी आपका x हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। log x का स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन log x का होल स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx ऑफ dx। यहाँ देखो क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा, तो पावर नीचे उतरेगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, पावर नीचे उतरेगा, पावर में से एक घटेगा और लॉग एक्स का 1/x, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, यही ना होगा। तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, टू से टू कटेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, माइनस लॉग एक्स इंटू में एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे यू इंटू बी पे फिर से लग रहा है, चलिए फिर से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका करना है ना, तो ब्रैकेट दे देते हैं, चलिए लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यहाँ पे बंद कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यहाँ एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ देखो डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स। चलिए यहाँ भी एक डी एक्स छूट रहा है। चलो अब देखो इसके बाद, अब यहाँ पे एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स और प्लस 1/2 इंटू में एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, यानी कि ऐसे कॉमन कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू को, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स और प्लस 1/2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, समझ गया।